गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके टॉक्स में। और आज का टूर हमारा रहेगा लोनावाला। ये सभी हमारे ग्रुप के लड़के हैं, ये देखिए मंटू भाई, चेतन भाई, शुभम भाई। और अभी हम लोनावाला के लिए निकल चुके हैं। वहाँ पे हिल स्टेशन है भाई, देखते हैं कैसा सीन रहता है वहाँ का। और ये वो जगह है जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ठीक है। और ये देखिए भाई, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये मॉनिटर भाई, नीरज भाई, राहुल भाई, अभी थोड़ी देर, एक घंटे के बाद में हम लोनावाला पहुंच जाएंगे। एक घंटा लेगी ये ट्रेन भाई, लोकल ट्रेन है। क्या है, हम लोग जा रहे हैं लोने वाला। ठीक है, और ये देखिए भाई, हम लोनावाला में पहुंच गए हैं। सब चाय का मजा ले रहे हैं। ये देखिए शुरू हो गया, चेतन भाई सभी लोगों ने चाय पी। और 10 रुपए का हमने ये भी लिया है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी भाई। और ये देखिए भाई झरना, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम डायरेक्ट टाइगर पॉइंट भी जाएंगे। ये देखिए गाड़ी के अंदर से ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। बादल कितने नीचे हैं भाई, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये देखिए भाई यहाँ पर बादल, ये बारिश हमेशा ही होती रहती है इधर, थोड़ी बहुत। बादल कितने नीचे ये देख सकते हैं आप। और जाम भी बहुत लगा है यार। ये देखिए भाई, मुझे तो काफी मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। ये झरना बह रहा है, लोग ऊपर तक जाके आ रहे हैं भाई, वहां पे नहा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। ओए होए, ये देखिए भाई मजा आ रहा है भाई हमें तो सच में। हम डायरेक्ट लोइन पॉइंट पे जा रहे हैं भाई, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। ये देख सकते हैं यार, और ये देखिए भाई बुज्जी डैम है, ये ऊपर से पानी आ रहा है डैम से, बहुत लोग हैं यहाँ पर। और हम नहीं आ सकते भाई क्योंकि बीमार होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, पहले ही बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं हम। वहाँ से पानी आ रहा है। और इधर ये शॉप भी है, किसी को भूख लगे, किसी को नाश्ता करना है तो यहाँ से कर सकते हैं भाई। हाँ
और ये देखिए भाई, यहाँ पर झरनों का अलग ही सीन है। बहुत ऊपर से झरना आ रहा है, ये देखिए हमारा दोस्त एंजॉय करता हुआ। और भाई बहुत ही मजा आ रहा है हमें यहाँ पे घूमने में। अलग अलग झरने बह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जाम अभी भी नहीं खुला, एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ये देखिए भाई, हम अभी पहाड़ पे चढ़ गए हैं और बारिश भी आ रही है, ये देखिए। और ये सामने भाई लोनावाला लेक है, ये सामने जो झील दिख रही है वो लोनावाला लेक है। और ये जाम लगा पड़ा है, देख लीजिए भाई, बहुत भीड़ है। इधर एक झरना है, दिखाता हूँ मैं आपको, वो यहाँ से शायद नहीं दिखे, हो सकता है, लेकिन नीचे लोग नहा रहे हैं भाई उसके नीचे। ये लोनावाला हिल स्टेशन है इसको बोलते हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है हमें। ठीक है, और ये देखे भाई, हम झरने के एकदम टॉप पे जा रहे हैं अभी। ये देखिए झरना इधर से जा रहा है, सामने ये लोनावाला लेक है, बड़ा मजा आ रहा है भाई हमें यहाँ पे। ओए ये देख सकते हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है हमें। आ जाओ जल्दी, सत्यम भाई वीडियो बना ना, सबको यहाँ पर हल्ला करेंगे। बना वीडियो बना रहे हैं यार भाई, और ऊपर। और ये देखे भाई, ऊपर से झरना बह रहा है और बिल्कुल बादल नीचे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जाम अभी भी नहीं खुला भाई, संडे और सैटरडे दोनों को बहुत भीड़ रहती है भाई यहाँ पर, ये देखिए। ये सामने झरने बह रहे हैं, और ये देखिए भाई कितना शानदार नज़ारा है। यहाँ पर बादल बिल्कुल नीचे रहते हैं पहाड़ों पर, और बारिश का कोई पता नहीं है भाई, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे, हर 5-6 मिनट 10 मिनट इसके गैप में बारिश होती रहती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये रजनीश भाई है हमारा, सॉरी नीरज भाई, और ये देखिए, ये इधर जाम में फंसी हुई है गाड़ियाँ, फोटो खींचना है। और भाई अभी हम निकल चुके हैं,
लोनावाला जंक्शन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया भाई, 7:20 पर हमारी ट्रेन है। और भाई बड़ा मज़ा आया, हम दो ही जगह घूम पाए, एक तो बूसी डैम और एक लोनावाला लेक। और यहाँ से जितना भी एक्सपीरियंस कलेक्ट हुआ है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर आए तो संडे और सैटरडे दोनों दिन मत आना भाई, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, जाम में ही पूरा टाइम निकल जाएगा आपका। और आप यहाँ आओगे तो मुंबई से बहुत सी ट्रेन मिल जाएगी आपको, और लोनावाला मुंबई और पुणे के बीच में पड़ता है। और फिर यहाँ से आप ऑटो कर सकते हो, कार भी कर सकते हो घूमने के लिए, ठीक है। और भाई हमारा 400 रुपये पर कैंडिडेट लगा है, और आप आओगे तब कितना प्राइस लगेगा ये हमें पता नहीं है भाई। और आओ कभी, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, और आओ तो बरसात के दिनों में ही आना, क्योंकि झरने और बारिश में ही मज़ा आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और क्या बताऊँ बस भाई, लेकिन बहुत ही मज़ा आया हमें आज के दिन, ठीक है। ओके, बाय बाय।